असलकम इट्स फाइव इसेंशियल स्किल्स फॉर कापी राइटर्स यानी हमने बात की कि टाइप्स क्या है लिखना कैसे है अच्छा कॉन्टेंट बनता क्या है मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा कापी राइटर बन सकें बात है पाँच स्किल्स की पाँच स्किल्स हैं हमारे पास अ गुड ग्रास्प ऑफ स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर तो अब ये जो पंक्चुएशन एंड ग्रामर और स्पेलिंग्स ये इसके बारे में भी आ, इस मॉड्यूल में इस सेशंस में आपने देखा होगा और बात की होगी कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले होंगे दूसरी चीज़ है कि जी आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं अब बंदा सोचे कि जी मैं तो लिख रहा हूँ मुझे क्या ज़रूरत है तो आपको बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्डप्रेस एंड पे है अगर आप वेबसाइट लिख रहे हैं या फेसबुक है या कोई और ऐसा है तो उसकी लिमिटेशंस क्या है और उन लिमिटेशंस में रहते हुए आपने वो कंटेंट लिखना है नो अबिट अबाउट एस सी एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने बहुत बात की है इसकी एक पूरा कोर्स है इसके ऊपर और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है क्योंकि बार बार इसके बारे में बात हो रही है मगर आ, हम कंपटीशन में हर वक्त कंपटीशन में है कंटेंट के ऊपर तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एस हो तो थोड़ा बहुत जो लिखने वाला है उसको एस की समझ होनी चाहिए ताकि वो एस के ऊपर लिख सके तो ये स्किल आना बहुत ज़रूरी हमने इसके ऊपर बात भी की है एक पूरा सेशन भी है इसके ऊपर बी क्रिएटिव विद इमेज सॉफ्टवेयर अब हम लिखने वाले लोग हैं इमेज कहाँ से आ गया बात यह है कि जब तक विजुल आपके पास साथ साथ ना हो ना आज कोई पढ़ता नहीं है ज़्यादा हम जब मैगज़ीन खोलते हैं तभी हम तस्वीरें ज़्यादा देखते हैं और जो साथ जो होता है उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसी तरह फेसबुक और ऑनलाइन भी यही है अखबार में भी सबसे पहले नज़र हमारी तस्वीरों पे जाती है तो इसीलिए इमेज का इस्तेमाल ज़रूरी है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ़ोटोशॉप है या इस तरह की जो चीज़ें हैं पेंट है ये छोटे छोटे टूल्स किस तरह चलते हैं इनके ऊपर आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं गेट कम्फर्टेबल विथ सेल्फ प्रमोशन अपनी तारीफ करने के लिए यू नीड टू बी कम्फर्टेबल अगर आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा तो जब आप अपना प्रोफाइल डाल रहे होते हैं आ, किसी भी ऑनलाइन फ्रीलांस पोर्टल पे या अपने बारे में लोगों को बता रहे होते हैं तो बेचें अपने आप को और अच्छी तरह बेचें और बताएं आपके स्किल सेट क्या है आपके आप कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सक्सेसफुली कर रहे हैं अनादर सेट ऑफ़ फ़ाइव एक बात हमने पाँच की कर ली एक और सेट ऑफ फाइव जो है हमारे पास ये है कि आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आनी चाहिए लोगों की साइकोलॉजी आनी चाहिए कौन से वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनसे लोग खुश होते हैं या उनसे रिएक्ट करते हैं अगर आपको लोगों की साइकी का थोड़ा सा पता हो तो लिखना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है खासतौर पे कॉपी राइटिंग में जब आप कुछ बेचने जा रहे होते हैं और एज ऑलवेज रिसर्च 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 तो लोगों के बारे में रिसर्च करें प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें कहानी बताएं वी सेट दिस बिफोर आर सेंग इट अगेन यू नीड टू हैव द स्किल ऑफ बींग स्टोरी टेलर यू नीड टू हैव द स्किल कि आप एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे सोचें और वो डिजिटल मार्केटिंग की आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए डिजी uh, स्किल्स में भी एक कोर्स है जो आप ले सकते हैं वैसे भी और भी कोर्सेज हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता कर सकते हैं इसी तरह बिजनेस स्किल्स ऐसे कौन से बिज़नेस स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए आप अपने बिज़नेस को कैसे बेच सकते हैं जब आप आता हो कि कैसे बेचना है तो फिर आपको कॉपी लिखने के लिए आसान हो जाता है कि आप बेचने के लिए कॉपी कैसे लिख सकते हैं सो दीज आर द फाइव प्लस फाइव स्किल्स दैट अनी गुड कॉपी राइटर शुड हैव